रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर के मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट से कर लें सब्सक्राइब ताकि थोड़ा सा फायदा मेरा भी हो जाए और साथ ही साथ आपको भी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए अब रेसिपी बाकायदा से आगाज करते हैं मैंने ली है यहाँ पर चिकन विंग्स वो भी स्किन के साथ आप कोई सा भी चिकन का पार्ट ले सकते हैं लाइक मिक्स बोटी जो होती है वो ले सकते हैं आप लेग पीस ले सकते हैं ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं थाइस का पीस ले सकते हैं जो भी आपका दिल जाए ठीक है लेना आपने स्किन के साथ है तो ज्यादा अच्छा बनेगा अच्छा यहां पर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था चिकन विंग्स को ये तकरीबन डेढ़ किलो होंगी मेरा ख्याल है इनको आपने इतना पानी में किसी बड़े बाउल में डाल के डिप करना है कि अंदर भीग जाए अंदर नहा जाए और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप ये फॉलो करेंगे तो इससे आपका चिकन बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बनेगा अंदर से अब सबसे पहला इन्ग्रीडियंट इसके अंदर जा रहा है वाइट विनेगर वाइट विनेगर आपने पूरा आधा कप के करीब ये डेढ़ किलो के करीब मेरे पास विंग्स होंगी इनके अंदर आपने आधा कप के करीब विनेगर ऐड कर देना है विनेगर

मिर्चे हरी मिर्चे आपने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेनी है उसके बाद इसका बना ले पेस्ट और वन एंड हाफ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हम इसका पेस्ट शामिल कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से कर लें मिक्स और इसको आपने छोड़ देना है तीन से चार घंटे के लिए क्लिंग रैप करें ऊपर से और तीन से चार घंटे के लिए इसको छोड़ लें जी चार घंटे हो चुके हैं और चार घंटे बाद ये जो मछलियाँ मैंने भिगोई हैं ओहो मेरा मतलब है चिकन विंग्स जो मैंने भिगोई हुई हैं इनको बाहर निकालते हैं इसका रैप खोलें ऊपर से या आपने किसी भी बाउल में इसको कवर किया हुआ है उसको अनकवर करें उसके बाद हमने इसका पानी सारा ड्रेन कर देना है यानी इसका पानी गिरा दें और इनको विंग्स को बाहर निकाल लें आपने इनको ड्राई होने के लिए किसी बास्केट में डाल दें और ये रेसिपी बच्चों की बड़ों की बूढ़ों की सबकी इतनी फेवरेट है कि रोज आपके घर में बस यही डिमांड हो रही होगी कि आज क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना लें इन चिकन विंग्स को मैंने इस बास्केट में पांच से दस मिनट के लिए छोड़ दिया था आपने इनको दोबारा से वॉश नहीं करना है आपने जस्ट पानी ड्रेन करना है पानी ड्रेन हो गया है विंग्स अच्छी तरह से ड्राई हो गई हैं अब इसको करते हैं मैरिनेट मैरिनेशन के लिए कौन से स्पाइसेस चाहिए क्या मसाले जाएंगे कॉपी पेंसिल पकड़ लें और नोट डाउन कर लें वैसे सारी स्पाइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक और नमक चला जाएगा इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब क्योंकि जब हमने इसको पानी में भी गोया था उस वक्त भी नमक शामिल किया था और आगे हमने इसमें सोया सॉस डालना है उसमें भी नमक होता है इसलिए नमक थोड़ा सा ध्यान से डालते हैं अब सेकेंड नंबर पर डालेंगे इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च पाउडर और रेड चिली पाउडर आपने डालना है वन एंड हाफ टेबल स्पून अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लाइट लेते हैं स्पाइसीज इतनी ज़्यादा नहीं लेते इसलिए यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब डाला था उसके बाद चली जाएगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर वो आपने डालना है वन टी स्पून उसके बाद डालेंगे इसके अंदर लहसन पाउडर और लहसन पाउडर इसमें पूरा वन एंड हाफ़ टेबल स्पून जाएगा अगर आपके पास लहसन पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह लहसन का पेस्ट शामिल कर लें लेकिन वैसे लहसन पाउडर हर जगह से अवेलेबल है और उससे फिर थोड़ा सा ना डिफरेंट किस्म का टेस्ट आता है अभी तक हमने इसमें चार मसाले डाले हैं नमक लाल मिर्च काली मिर्च और लहसन पाउडर अब जा रहा है इसके अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर आपने डालना है तकरीबन जी वन एंड हाफ टी स्पून के करीब इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर मस्टर्ड पाउडर मेरे पास नहीं था मस्टर्ड पाउडर कहते हैं जो राई के दाने होते हैं उसके पाउडर को मस्टर्ड पाउडर कहते हैं और उससे बड़ी अच्छी सी एक खटास सी और डिफरेंट सा टेस्ट आता है वो मेरे पास नहीं था उसकी जगह आपके पास अगर मस्टर्ड पेस्ट है तो वो शामिल कर दें इसलिए यहाँ पर मैं बोतल को अच्छी तरह से शेक करने के बाद हिलाकर उसके बाद मैं टू टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देती हूँ ये आपको ईजिली हर जगह से मिल जाता है और अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं इसको स्किप कर दें अब चला जाएगा इसके अंदर सोया सॉस और सोया सॉस तकरीबन डालेंगे हम दो टू, टू टेबल स्पून यहाँ पर मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ और सोया सॉस तो हर जगह से मिल जाती है इसके बाद डाल देते हैं हम इसके अंदर चिली सॉस और मेरे पास जो रेड चिली सॉस है ना वो नहीं थी तो मैंने लगाया जुगाड़ और उसकी जगह डाल दी मैंने यहाँ पर कैचप और कैचप में भी चिलीज़ भी होती हैं और टमेटो पेस्ट भी होता है तो उसकी जगह अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो टोमेटो डाल दें और थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज़ डाल दें तो ये मैंने डाल दी है अंदर और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छा थोड़ी देर मैं कोशिश करती रही कि वीडियो बना रही हूँ तो इसको बड़े सोफिसिकेटेड तरीके से मैं चम्मच से मिक्स करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं भी अपनी ही तसली नहीं हुई मेरी मैंने कहा जब तक इसको हाथ नहीं लगेंगे मेरे तो इसके अंदर वो टेस्ट नहीं आना इसलिए मैंने भी ग्लव चढ़ाया हाथों पर और इसको कहा अच्छी तरह से इस तरह से रल रला के मिल मिला के इसको मैरिनेट कर लें और फिर देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है अच्छा एक इंपॉर्टेंट टिप आपको दे देती हूँ यहाँ पर कि अगर आप चाहें इसी पॉइंट पर मैरिनेट करके आधा घंटा इसको तो रखें और उसके बाद इनको कर लें आप शॉपर में डाल के फ्रीज जब दिल करे आपका बाहर निकालें इसके ऊपर कोटिंग करें और इसको फ्राई कर लें या आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं लेकिन आधा घंटा भी इसके लिए इनफ है क्योंकि जो ये चार घंटे पानी में भीगी रही है उससे अच्छी तरह से नमक और सिरके की वजह से और हरी मिर्चों की वजह से इसके अंदर टेस्ट चला गया है तो अब जो हमने मैरिनेशन किया है वो आधा घंटा भी इनफ होगी अच्छा आधे घंटे इसको मैं इसी तरह से पड़ा रहने दूंगी और आधा घंटा गुजर गया अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं जो इसका बिल्कुल फाइनल स्टेप है सबसे पहले चाहिए होंगे आप को दो बर्तन एक बर्तन में जाएगा पानी यहां पर मैंने एक से दो से ढाई कप के करीब पानी लिया इतना पानी लेना है कि बस आपका जो भी चिकन पीस है ना वो अंदर डिप हो जाए और दूसरे बर्तन में आपने प्लेट लिया बाउल लिया जो भी लिया उसके अंदर डालेंगे हम लोग मैदा सिंपल प्लेन मैदा और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मैदा इसके अंदर मैंने इतना डाला है कि मेरे जितने चिकन विंग्स वगैरह ना वो इसके अंदर कोट हो जाए तो यहाँ पर मैदा ले लेंगे ये दो चीज़ें आपको चाहिए फ्राइंग करने से पहले अब इन चिकन विंग्स को या पीसेस को कोटिंग करने से पहले आपने कोई भी पैन ले लें डीप ले, सा और इसमें ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दें और फ्लेम आपने बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखना बहुत ज्यादा लो भी नहीं रखना बस मीडियम और हाई के दरमियान रखना है कि एक दफा से ना ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए अब ये जो चिकन विंग्स थी आधा घंटा मैंने इनको मैरिनेट करके रखा हुआ था अब इनको एक एक करके हम पकड़ते जाएंगे और मैदे में कोट करते जाएंगे कोटिंग का तरीका ध्यान से देख लें किस तरह से करना है सबसे पहले एक चिकन विंग हम इस तरह से उठाएंगे और डाल देंगे इसको हम सबसे पहले मैदे वाले बाउल में अच्छी तरह हम इसको डिप करेंगे चारों तरफ से कोट कर लेंगे मैदे के साथ फर्स्ट स्टेप इसका यह है कि आपने इसको मैदे के साथ कोट करना है यहाँ दोनों साइडों पे अच्छी तरह मैं मैदा लगा लेती हूँ इसके ऊपर और साथ ही अब मैं इसको उठाऊंगी यूं और डाल दूंगी पानी वाले बाउल में पानी में गिरा दें इसको और सिर्फ टू सेकेंड्स के लिए आप इसको पानी के अंदर गिरा रहने दें ज़्यादा देर के लिए छोड़ नहीं देना और देखिए मैदा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरा बल्कि साथ ही उसके चिपक गया और पानी यहाँ पर नोट कर लें कि गर्म नहीं होना चाहिए रूम टेम्परेचर वाला ही पानी होना चाहिए अब दोबारा से पानी में से निकाल के इसको डाल दें मैदे के अंदर और ये हो गया इसका डबल कोट दोबारा इसके ऊपर कोटिंग कर दें सारे मैदे की और अब आपने इसको पानी में नहीं डालना बल्कि आपने इसको यूं करके आपने प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है अब दूसरा चिकन का पीस उठाएं और उसके साथ भी आपने सेम सलूक करना है सुतेला सलूक बिल्कुल नहीं करना सबसे पहले हम इसको मैदे में डिप करेंगे अच्छी तरह कोट करने के बाद मैदा इसके ऊपर फिर डालेंगे इसको पानी में और वापस से डाल देंगे इसको मैदे में और सब पीसेस को इसी तरह से कोट कर लेंगे दूसरी तरफ ऑयल हमारा फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है फ्लेम जो मीडियम से हाई के दरमियान थी इसको आप मीडियम पर ले आए ताकि आपके जो चिकन पीसेज हैं वो एकदम से जलना शुरू हो जाएं। अब एक एक करके मैं इसके अंदर सारे चिकन पीसेज ऐड कर दूंगी और बड़े ही मज़े की मुझे ये आवाज़ लगती है जब कोई चीज़ इस तरह से ना डीप फ्राई होती है एक बात याद रखें कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए बिल्कुल ठंडे ऑयल में आपने ये चिकन पीसेस फ्राई नहीं करने है वरना फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करते हैं और दूसरा ये कि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं पंद्रह uh, से बीस मिनट के दरमियान आपके ये पीसेज रेडी हो जाएंगे आराम से इसको एक साइड पे जब थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर होना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें ताकि दूसरी साइड से ये अच्छी तरह पक जाए और दूसरा ये कि जब आप इनको डीप फ्राई करेंगे ना तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे बनते हैं तो दोनों साइड से टेन टेन मिनट्स पकाने के बाद ये है अब इसकी फाइनल लुक और ये फाइनल लुक देखने के बाद मैं यही कहूँगी सो ब्यूटिफुल सो क्रंची सो सॉफ्ट सो जूसी जस्ट लुकिंग